आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं यूपी की कुछ बड़ी खबरों की ओर। तो अतीक अशरफ हत्याकांड के 3 दिन बाद प्रयागराज के शाहगंज थाने के 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। एसआईटी की पूछताछ के बाद पुलिस विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। जिन पर यह कार्रवाई की गई है उनमें एसओ अश्विनी कुमार सिंह के अलावा 2 सब इंस्पेक्टर और 2 कॉन्स्टेबल शामिल हैं। तो प्रयागराज में एसआईटी की टीम ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां अशरफ अतीक हत्याकांड के बाद 5 और पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। तो अतीक अशरफ हत्याकांड में दोनों ही माफिया ब्रदर्स पर गोलियों की बौछार कर दी गई थी, जिसमें दोनों भाइयों की मौत हो गई थी। वही अब इस मामले पर लगातार एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है। तो वही आज एसआईटी ने एक बड़ा एक्शन लिया, जहां इस पूरे मामले पर 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग की पूजा और राग भोग के अधिकार से संबंधित मामले की आज सुनवाई होगी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन कुमुद दत्ता त्रिपाठी की अदालत में बहस होगी। ये याचिका 4 जून 2022 को दाखिल की गई थी। इस याचिका के तहत ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग की आकृति की पूजा पाठ, राग भोग और आरती करने की अनुमति मांगी गई है। ज्ञानवापी मामले पर आज एक बड़ी और अहम सुनवाई होनी है। शिवलिंग की पूजा और राग भोग के अधिकार के मामले पर सुनवाई होगी, क्योंकि लगातार हिंदू पक्षों के द्वारा ये दलील दी जा रही है कि उन्हें ज्ञानवापी मामले में, यानी ज्ञानवापी में जो शिवलिंग है उसकी पूजा और राग भोग करने का अधिकार दिया जाए। प्रयागराज में हत्याकांड में पुलिस ने तीनों शूटरों को आज सीजीएम कोर्ट में पेश किया। माफिया अतीक और अशरफ की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या करने वाले शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेशी के लिए सीजीएम कोर्ट आया गया। पुलिस की रिमांड अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई हुई। वह पुलिस ने तीनों शूटरों की 14 दिन की रिमांड मांगी है, लेकिन कोर्ट ने तीनों शूटर्स की 4 दिन की रिमांड मंजूर की है। कोर्ट ने आरोपियों को रिमांड पर जेल भी भेज दिया है। तो वही कड़ी सुरक्षा के बीच इन तीनों ही आरोपियों को प्रयागराज की ही जेल में रखा जाएगा, जहां पर इन सभी आरोपियों से 4 दिनों तक लगातार पूछताछ की जाएगी और कई ऐसे अहम सवाल हैं जिनके सवाल भी एसआईटी की टीम जानने की कोशिश करेगी। देश में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि पिछले 24 घंटे में 10,542 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 38 लोगों की मौत हुई है। ये इस साल सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा है। वही एक्टिव केस के आंकड़े 63,562 हो गए हैं। तो जहां एक तरफ कोरोना से लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, तो हर एक बीतता दिन के साथ कोरोना के ग्राफ में भी बढ़ोतरी आ रही है, क्योंकि लगातार पूरे देश भर में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी करी है। वही अगर यूपी की बात करी जाए तो यूपी में एक बार फिर से सभी स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजर का यूज और मास्क लगाना बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो जहां एक तरफ गर्मी लगातार लोगों की चिंता बढ़ा रही है, तो वहीं अब कोरोना के बढ़ते मामलों ने भी सभी की टेंशन हाई कर दी है। फतेहपुर में बालाजी सरकार की मूर्ति स्थापना को लेकर कानपुर जिले के रामनगर के लोगों द्वारा राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी सरकार से पद यात्रा की शुरुआत की गई है, जहां उनके द्वारा 3 पहिया साइकिल में बालाजी सरकार की मूर्ति रखकर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय की गई है। और कानपुर में बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन के बाद उनके सानिध्य में मूर्ति स्थापना की जानकारी दी गई। जगत का कल्याण हो, सब जितने लोग हैं इस संसार में सबका भला भगवान करें, बालाजी सरकार सबके अपनी कृपा दृष्टि बनाए और सनातन धर्म को भी सबसे ज़्यादा मजबूती मिले और ये लोग जान लें अब कि केवल एक ही ऐसा धर्म है सनातन धर्म, बाकी कोई धर्म नहीं है, केवल सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें हर चीज़ संभव है। जो आप मान लेंगे, जो आप समझ लेंगे, जो आप करना चाहेंगे, सब कुछ हो जाएगा। ये मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ।
कहां से कहां तक के लिए यात्रा तय कर चुके हैं आप और कितनी यात्रा बाकी है? अभी मैं मेहंदीपुर बालाजी से बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम से चित्रकूट, चित्रकूट से मैं फतेहपुर आ गया हूँ, फतेहपुर से चौधरा में खड़ा हूँ, अब चौधरा से मेरी कानपुर की सेवा रह गई है। ज्ञानवापी मामले के पैरोकार और अखिल भारतीय वैदिक सनातन संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सिंह विसेन पर दिल्ली में मंगलवार देर रात निडिल सिरिंज से हमला हुआ है। हमलावर विसेन को पीछे से कंधे पर इंजेक्शन चुभाकर भाग निकले, वही मौके पर चिल्लाता देख लोग उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल लेकर गए और वहां उन्हें भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने इलाज और पूरी जाँच के बाद बताया कि उनकी बॉडी में इंजेक्शन से कोई वायरस या दवा डाली गई होगी। इसका असर कई बार या कई सप्ताह भर बाद भी देखने को मिलता है, हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो ज्ञानवापी के पैरोकार पर इंजेक्शन अटैक किया गया है। विसेन बोले कि शरीर में घबराहट हो रही है और वही डॉक्टरों का मानना है कि कई बार जब किसी भी निडिल या इंजेक्शन से वार किया जाता है तो उसका असर कुछ हफ्तों बाद या फिर कुछ दिनों बाद देखने को मिलता है। एसटीएफ द्वारा असद और गुलाम मोहम्मद के कथित एनकाउंटर के मामले में अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा भेजी गई शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। अमिताभ ठाकुर को भेजे गए ईमेल में आयोग के सहायक रजिस्ट्रार ने बताया कि इस संबंध में उनके द्वारा भेजी गई शिकायत को एसएसपी झांसी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के साथ संबद्ध करते हुए ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। संबंध में मेरे द्वारा की गई शिकायत के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आज ईमेल के जरिए मुझे सूचित किया है कि उन्होंने इस संबंध में एसएसपी झांसी द्वारा भेजी गई सूचना के साथ मेरी शिकायत को केस के रूप में पंजीकृत कर लिया है। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी ने मेयर का टिकट बदल दिया है। बता दें कि वरिष्ठ नेता पीएन गर्ग की पत्नी नीलम गर्ग का टिकट काटकर पूनम यादव को सपा ने प्रत्याशी बना दिया है। वही सपा ने संशोधित सूची जारी कर दी है। 5 दिन पहले यानी शनिवार को ही सपा ने नीलम गर्ग को मेयर प्रत्याशी घोषित किया था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आम लोगों की जीवन भर की कमाई के प्लॉट, फ्लैट और मकान लोन के नाम पर डकार लेने वाले लोन माफिया लक्ष तंवर की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। आपको बता दें कि ये लोन माफिया पिछले करीब 2 सालों से जेल में बंद है और जैसे जैसे इसकी संपत्तियों का पता चल रहा है वैसे वैसे पुलिस लगातार उसकी संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई कर रही है। लोन माफिया जिसने सैकड़ों लोगों के जीवन भर की कमाई को मिट्टी में मिला दिया, उसमें पुलिस वाले और नेता भी शामिल थे। लंबे समय तक लोन के नाम पर ठगी करने वाला लक्ष करीब 2 सालों से जेल में लक्ष तंवर नामक लोन माफिया है जो कि फर्जीवाड़ा करके लोन दिलाया करता था, तो इसकी आज प्रॉपर्टी हम लोगों ने कुर्क करी है, जिसमें कि 6 संपत्तियां जनपद गाजियाबाद में कुर्क करी गई हैं, जिनकी टोटल अनुमानित कीमत लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा है। सर, इसने कितने का फर्जीवाड़ा किया और जेल में कब से बंद है? ये लक्ष तंवर ने 500 करोड़ से ज़्यादा का लोन फ्रॉड करा है और ये पिछले 2 सालों से यहाँ पे जेल में बंद है। साथ ही साथ इसने कई लोगों को बेवकूफ़ बना के उनकी प्रॉपर्टियों पर कब्जा भी कर लिया है, फर्जी कंपनियां बना के उन पर लोन लिया करता था और उससे इसकृत के बाद इसमें गैंगस्टर के तहत हमने कार्रवाई करी है। इस पर गैंगस्टर लगाया था, पूरे गैंग मेंबर 12 लोग हैं जिसमें 10 लोग अभी जेल में हैं और उसके बाद ये कार्रवाई करी गई। कानपुर वार्ड नगर 9 अंतर्गत अंबेडकर नगर रविदासपुरम क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की ओर से सपा ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष की पत्नी लक्ष्मी चौहान को टिकट दे दिया गया है। बीते कल कानपुर नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से पहला टिकट लक्ष्मी चौहान को दिया गया। नगर सपा कार्यालय में टिकट मिलने की खुशी में कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया। वहीं वार्ता में लक्ष्मी चौहान ने बताया कि जनता की मूलभूत समस्या मेरी समस्या है और ये भी बताया कि नगर निगम द्वारा जनता से अतिरिक्त वाटर शुल्क और सीवर शुल्क वसूला जा रहा है, जहाँ सुविधा के नाम पर शून्य है। इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे।
कानपुर नगर निगम निकाय चुनाव जो है उसका बुगुल पूरी तरीके से फूंक दिया गया है। अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी जो है उसका महापौर प्रत्याशी और देखा जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी अभी भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं 28 सालों से राज करने वाली भाजपा सरकार देखा क्योंकि देखा जाए तो कानपुर जो गढ़ है वो बीजेपी गढ़ माना जाता है और उसमें देखा जाए तो आज जो पार्षद प्रत्याशी जो टिकट की सीट है जो है उसको ले करके पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं अभी पार्टी ने जो अभी किसी कोई तरह की लिस्ट जारी नहीं की है। और आप बता चले कानपुर के जो वार्ड 9 जो है उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है उन्होंने प्रत्याशी को जो है सीधे टिकट दिया है। आई बात करते हैं प्रत्याशी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी चौहान। लक्ष्मी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके ऊपर इतना विश्वास किया, आपको टिकट सिंबल से वो सीधे दिया है और कानपुर की बड़ी उपलब्धि है कि वार्ड 9 को सीधे टिकट दिया, उसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, वो इस लायक हमको समझा। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मूलभूत समस्याएं हैं, 21 तरीके से ये आगे चुनाव लड़ेंगी, अपने वार्ड पहुंचे किस तरह की समस्या रखेंगे, क्या नाम है आपका? मैं राजकुमार चौहान, समाजवादी पार्टी ग्रामीण का जिला उपाध्यक्ष। राजकुमार जी, किस तरीके से आप उनको लेकर के वार्ड में घूमेंगे, इतनी मूलभूत समस्याएं नगर निगम को लेकर के है, कुछ लोगों का देखा जाए तो कहीं ना कहीं हाउस टैक्स देखा जाए और उसके बाद वाटर टैक्स जो है वो इनवैलिड आ रहा है, जबकि ऐसी कुछ जगह है नहीं, उसके बाद जबरदस्ती कर जो लिया जा रहा है और सुविधाएँ जो हैं वो आम नागरिक को मिल नहीं रही है। मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो हमारे संघर्ष को देखते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमें ये आशीर्वाद के रूप में वार्ड 9 का मेरी पत्नी लक्ष्मी चौहान जी को टिकट दिया है। और मैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का और क्षेत्र के अपने जो हमारे शुभचिंतक हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं प्रयास करूँगा उनके विचारों पर खरा उतरूँ और इस क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएँ हैं, सड़क सीवर और इस क्षेत्र की जो गंदगी है, जो यहाँ भाजपा का पार्षद था आज तक गंदगी नहीं साफ कर पाया है, मैं इसके माध्यम समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में अपनी इस क्षेत्र की जनता से घर घर मिलूंगा, आह्वान करूंगा कि आप हमें आशीर्वाद स्वरूप अपना वोट दें। और निश्चित रूप से मैं रविदासपुरम में जो शौचालय संबंधित समस्याएं, गुजेनी गांव में जहां जल शीवर जैसी कोई सुविधा नहीं लेकिन हाउस टैक्स ऐसा आ रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं, 2-2 लाख रुपये। हाँ, एक बार मैं अभी मिला था उनसे, कर अधीक्षक से, 2 लाख रुपया एक गरीब के घर का टैक्स था। मैंने उनसे पूछा आप टैक्स किस चीज़ का ले रहे हो, तो उन्होंने बता नहीं पाया। हमने कहा आप जल सुविधा दे रहे नहीं हो, सीवर सुविधा दे नहीं रहे हो, सड़क औने पौने ऐसे बनी है। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए संघर्ष करना चाहता हूँ क्षेत्र में। सबसे बड़ा एजेंडा है, गर्मी का मौसम है, हमारे क्षेत्र में एक भी ऐसा नल नहीं है जहाँ जनता प्यासी मर रही है, बहुत परेशानियाँ का सामना करना पड़ रहा है। टंकी हमारे यहाँ बनी है बहुत सालों साल से, वो चालू नहीं है। मैंने पहले भी पूर्व में भी बताया कि यहाँ चिकित्सा का हमारे क्षेत्र में कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है, शिक्षा की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसके लिए हमारी मूल लड़ाई जो है सड़क सीवर नाली पानी चिकित्सा और शिक्षा की रहेगी। देखा जाए कहीं ना कहीं जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका पार्षद साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसको लेकर पूरी तरीके से जो है वार्ड में जो है जो मतदाता हैं उनके बीच रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसी वार्ड को लेकर के एक जब पीक टाइम था देखा जाए तो डेंगू का या कोरोना काल को लेकर के सबसे ज़्यादा मौतें इसी वार्ड में हुई थी। कैमरा पर्सन हिमांशु उपेंद्र अस्थाना, कानपुर। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने दंपत्ति को लाठी डंडों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। बताते चले कि दबंग जबरदस्ती दूसरे की भूमि पर निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर पीड़ित ने विरोध किया तो दबंगों ने लाठी डंडों से लैस होकर दंपत्ति को अधमरा कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से दोनों बुजुर्ग दंपत्ति को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहाँ उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।